Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 9. Question 9 is, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circuit sustain supplementary angles at the center of circuit. हमें बताना है कि अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जो है वो सरकमस्क्राइब करेंगी सर्किल के एंगल सेंटर पे क्या सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों का सम 180 डिग्री। सी किस तरह से हमें यहाँ पे बताना है उसके लिए मैं आपको एक फिगर से ड्रॉ करके और बताऊंगा कि आपको क्या दिया हुआ है क्या नहीं। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है क्या हमें प्रूव करना है उसे मैं एक फिगर से आपको बताऊंगा। सो द फिगर इज सी, आपको गिवन दैट एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल विद सेंटर ओ। यहाँ पर ए ओ बी आप देख सकते हैं एंगल ए ओ बी की जो बात चल रही है, यानी कि एंगल ए ओ बी आपका कौन सा एंगल होगा, दिस एंगल, ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में 180 डिग्री बनाएंगे। सिमिलरली आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी BOC और AOD, ये दोनों आपके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का होंगे। दिस इज 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। मैं इसे दोबारा से ठीक कर दूं, दिस 180 डिग्री, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट क्या ले लेता हूँ, कन्वीनियंट के लिए इस एंगल को 1 ले लेता हूँ मैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, ये एंगल्स में ले लेता हूँ। नाउ स्टूडेंट अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन जॉइंट ओपी ओक्यू ओआर एंड ओएस ये मैं कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे आप देखते रहिए। सिंस प्रूफ के अंदर, सिंस द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है टू अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, ये इक्वल होती है लेंथ में, तो देयरफॉर एक्सटर्नल पॉइंट बी से क्या है टेंजेंट बी क्यू बी पी, एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंजेंट क्या है सी क्यू सी आर, डी से क्या है डी एस डी आर, ए से क्या है ए एस ए पी, तो ये सब पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तो मैं वही लिख दूंगा, देयरफॉर दिस, ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है ये इक्वल होंगे ए पी ए एस, बी पी बी क्यू, सी क्यू सी आर और डी आर डी एस के, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ स्टूडेंट अब आप देखिए इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ओ बी क्यू, OPB OBQ में आप देखेंगे OP बराबर OQ बोथ आर रेडियाई, साथ ही OB बराबर OB, ये क्या है कॉमन साइड किसमें OBP और OBQ में, आप देख सकते हैं OBP और OBQ में, यानी जो दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है मैं इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, दिस एंड दिस ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक इसके बराबर वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल की बात चल रही है और इन्हें हम क्या कर रहे हैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर OP बराबर OQ सेम रेडियाई, OB बराबर क्या है यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कॉमन साइड, और BP बराबर BQ होगी ये क्या होगी सेम लेंथ की, ये हम कहाँ से लिख देंगे ऊपर की तरफ से BP बराबर BQ फ्रॉम द इक्वेशन 1, क्योंकि B से ही ये दोनों टेंजेंट है, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय, और कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे ये बाय SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, यहां से क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट सी एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये बाय सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं, और उससे क्या होगा सो वी कैन आल्सो प्रूव दैट, वी कैन आल्सो प्रूव दैट 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8, आप ये इस तरह से 1 बराबर 2 के तो 3 4 के होगा, 5 6 के और 7 8 के, ये हम प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से। नाउ स्टूडेंट ये आप अगर प्रूव कर देंगे और उसके बाद बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द राउंड एंगल, राउंड एंगल का वो क्या होता है 360 डिग्री, तो इन सबको जब मैं ऐड कराऊंगा 1 2 3 4 5 6 को तो 360 के बराबर आएगा, अब 1 2 के बराबर है तो मैं 1 1 लिख देता हूं, 3 4 के बराबर है तो 3 की जगह 4, 5 की जगह दिस, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 की जगह यहाँ पे 1, 3 की जगह 4, 6 की जगह 5, 7 की जगह 8, क्योंकि ये दो पेयर इक्वल्स हैं, ये आपस में जो पेयर जो है ये इक्वल पेयर है, तो यहां से इसलिए ऐसा आ गया। तो सिमिलरली 2 ऑफ एंगल 8, 2 ऑफ एंगल 4, 2 एंगल ऑफ 5, 2 ऑफ 8, 360 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इज 180 डिग्री। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 5 और 4 प्लस 8, एंगल 1 प्लस 5 क्या है, दिस इज 1 प्लस 5, अगर आप देखें ये आपका एंगल दिस, ये एंगल AOB और दूसरा एंगल COD बना रहे हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री,
एंड ये एंगल जो है सिमिलरली वी कैन हैव। इसी तरह आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि बीओसी और एओडी क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने प्रूव किया जो आपको प्रूव करना बेस्ट है।